बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया साल। नाज़रीन, पाकिस्तान के बहुत सारे सियासी मामलात एक बार फिर से अदालतों में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कौमी असम्बली से इस्तीफे दे चुकी है और उनका ये मौकफ है कि हमारे डिप्टी स्पीकर जो हैं ऑलरेडी हमारे इस्तीफे जो है मंजूर कर चुके थे, तो दोबारा से जो अब स्पीकर साहब मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी कर रहे हैं वो गलत है। उसके खिलाफ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है उसमें चीफ जस्टिस साहब के भी, उमर अता बंदयाल साहब के भी जो रिमार्क्स आए हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही कहते दिखाई दिए कि आप पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें, जल्दबाजी ना करें। तो क्या जल्दबाजी है आपको ये इस्तीफे मंजूर कराने की? ऑब्वियसली इसी किस्म के सवालात होते रहे और उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट का और स्पीकर का इस्तेहकाक है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें वजाहत के साथ उन्होंने बता दी हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही तजवीज़ आ रही है कि वो पार्लियामेंट में वापस जाएँ और अपना वहाँ पर रोल प्ले करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी जो है वो नैब तरमीमी एक्ट के तहत एक रिलीफ मांग लिया है करप्शन केस के अंदर। और ऑब्वियसली नैब में जो तरमीम लाई गई है उसके कानून में, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतराज़ भी है कि अपनी ही करप्शन केसेस को ख़त्म कराने के लिए लाई गई हैं। ऑब्वियसली उसमें 50 करोड़ से कम मालियत के केसेस जो हैं अब वो उनके दायरे इख्तियार में नहीं हैं और इसी वजह से उन्होंने ये दरख्वास्त भी दी है जिसमें मौकफ इख्तियार किया है कि प्लॉट अलॉटमेंट केस था जिसमें उनको इश्तहारी करार देने के ख़िलाफ़ ये उनकी पिटीशन आई है और इसमें उनका मौकफ ये है कि 13 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। ज़ाहिर है वो 50 करोड़ से कम है, तो उन्होंने कहा कि उसमें उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए क्योंकि पहले भी इन्हीं मामलों में 3 मुलज़िमान जो है वो अदालत बरी कर चुकी है। साथ ही साथ इसहाक डार साहब को भी आज रिलीफ मिला कि जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने उनके जो वारंट थे उनको नैब को उनको गिरफ्तार करने से रोक दिया, उनके वारंट जो है वो मुअत्तल कर दिए। इसहाक डार साहब ने भी खुद रजामंदी जाहिर की है कि पाकिस्तान आए और PMLN के भी बहुत सारे लोगों को मिफ्ता इस्माइल साहब की बतौर वजीर खजाना परफॉर्मेंस पर एतराज़ात थे, तहफ़ुज़ात थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इसका जिक्र किया और वो चाहते हैं कि इसहाक डार साहब वापस आकर वजीर खजाना बने और इत्तलात यही हैं कि इसके बाद जो आज इसहाक डार साहब को रिलीफ मिला है और कोर्ट ने नैब को उनको पाकिस्तान पहुँचने पर गिरफ्तारी से उनकी रोक दिया है, तो इसहाक डार साहब भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मौजूद होंगे और देखते हैं कि क्या वाकई ये जो खबरें हैं इसमें सदाकत है कि वही वजारत खजाना का जो कलमदान है वो संभालेंगे। एक और मामला जिससे आगाज करेंगे गुफ्तगू का वो तौहीन अदालत केस है। इमरान खान साहब ने जिस तरीके से कल अदालत में कहा कि अगर उनको अदालत को ऐसा लगता है कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है तो वो माफी मांगने को तैयार हैं, माजरत खां हैं, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए और फिर ये भी कहा कि अगर मुझे खातून जज के पास जाकर भी उनसे माफी मांगना पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। एक तरफ ऑब्वियसली ये जब मौकफ आया तो अदालत की अंडरस्टैंडिंग यही थी कि इमरान साहब जो हैं वो शायद गैर मशरूत माफ़ी मांग रहे हैं। फिर उनको चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी कि आप अपना बयान हल्फी जमा करवा दें इस पर एक हफ्ते के अंदर अंदर। इमरान खान साहब ने पूछा कि क्या बयान हल्फी के अलावा अदालत को मुतमईन करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो जस्टिस अथर मनल्ला साहब के रिमार्क्स थे कि नहीं, ये बयान हल्फी आपको जमा कराना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब के जो वकील हैं हामिद खान साहब, उन्होंने जो बयान दिया उससे ऑब्वियसली कन्फ्यूजन फिर वापस आ गया। उन्होंने ये कहा कि गैर मशरूत माफ़ी का तो मतलब है कि तौहीन का इकरार कर लिया जाए, तो मेरे जो मौकिल हैं इमरान खान साहब उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने तौहीन नहीं की है तो फिर वो क्यों माफ़ी मांगेंगे गैर मशरूत। और उन्होंने अदालत को बताया कि अगर अदालत को लगता है कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है तो वो माफ़ी मांगने को तैयार है, तो इसका मतलब है कि अगर बयान हल्फी इसी किस्म का जाता है तो फिर तो मामला वहीं का वहीं होगा। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनानुल्ला खान साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ शाह फरमान साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। शाह फरमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ आप दोनों की इजाज़त से मैं करना चाहूँगी जस्टिस शायक उस्मानी साहब से, उनकी लीगल ओपिनियन जो है इस मामले पर पहले जरा समझ लें हम। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जस्टिस शायक उस्मानी साहब ये फरमाइएगा कि आई एम श्योर आपने भी हामिद खान साहब का बयान देखा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इमरान खान साहब के खिलाफ फर्दे जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई थी उसको मौखर किया गया, उनको कहा गया कि अपना बयान हल्फी जमा कराएं, तो हमें तो यही समझ आया कि वो शायद गैर मशरूत माफीनामा जमा करा देंगे, बट हामिद खान साहब का जो बयान आया है
कि अगर हमने गैर मशरूत माफी मांग ली तो हम तो तौहीन का इकरार करेंगे, तो हमारा मौकफ है हमने तौहीन की नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि मामला फिर वहीं का वहीं है, अदालत इस दफा क्या जाने देगी ये मामला? जी बिल्कुल, मामला एग्जैक्टली वहां है जैसा कि 22 तारीख को था। अच्छा, सिर्फ ये हुआ है कि जो 22 तारीख तारीख है वो अब 3 अक्टूबर हो गई, क्योंकि 22 को जो उन्होंने 22 सितंबर को जो उन्होंने कहा था कोर्ट ने पहले जी फर्द जुर्म आयद करेंगे, तो अब उन्होंने कहा है कि फर्द जुर्म अब वो 3 अक्टूबर को करेंगे। बीच में जो क्योंकि इन्होंने केस शुरू होने से पहले कुछ स्टेटमेंट दे दी, लेकिन वो स्टेटमेंट ऐसी नहीं थी जो कि कोर्ट नॉर्मली एक्सेप्ट करती है एज ए अनकंडीशनल अपॉलॉजी। वो तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं थी, क्योंकि जहां आप कहते हैं कि अगर कोर्ट ये समझती है इसका मतलब कि ये कंडीशनल हो गई, अनकंडीशनल नहीं, तो वो कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करती। फिर कोर्ट कहती ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि ये बात है तो फिर आप ट्रायल पे जाए, ट्रायल कराएं। तो इस वजह से कोर्ट ने ये किया। अब जो आमतौर से जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है, क्योंकि उस दिन 22 तारीख को जो भी उन्होंने कहा था इमरान साहब ने, वो इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, तो ये समझा जाता है कि शायद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच गई है कि उन्होंने माफी मांग ली है, मामला खत्म हो गया। लेकिन उसके इमीजिएटली क्योंकि हामिद खान साहब सीनियर वकील हैं, वो समझते हैं इस चीज को, तो उन्होंने इस चीज को के लिए एक्सप्लेन किया कि ये सही नहीं है, इमरान खान साहब ने माफी नहीं मांगी। तो कोर्ट, जहां तक कोर्ट का ताल्लुक है, क्योंकि ये एक जज का मामला था नहीं, चीफ जस्टिस साहब का मामला नहीं था, ये यहाँ पर तो और भी जजेस हैं इस बेंच में, फुल बेंच, तो इस वास्ते जरूरी ये था कि सारे जजेस उसको देखें कि वो स्टेटमेंट क्या है। इस वजह से चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया कि आप बयान हल्फी जमा कराएं ताकि हम उसको बैठ के देख लें, और अगर सब जजेस मुत्तफिक होते हैं एक चीज पर तो सही है, अगर नहीं मुत्तफिक होते हैं। लेकिन आपको जाहिर है, आपने जैसे हामिद खान साहब का हम अभी जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने जब ये बयान दे दिया, ऑब्वियसली अब जब लॉ की बात करते हैं जिस तरीके से चीजें इंटरप्रेट की जाती हैं, तो उसमें वो कॉमा, फुल स्टॉप, हाइफन, इन चीजों की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, वो बार बार वर्ड यूज करें अगर, कि जी खान साहब ने कहा है कि अगर मैंने तौहीन अदालत की है तो मैं माजरत खा हूं, तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। तो आपको लगता है कि हामिद खान साहब फिर इसी किस्म का मशवरा देंगे, क्योंकि बयान हल्फी में भी यही चीज होगी, और उसको क्या अदालत एक्सेप्ट कर लेगी? बिकॉज बार बार पहले भी यही था कि आई डीपली रिग्रेट, उसमें भी कहीं अनकंडीशनल अपॉलॉजी का जिक्र नहीं था। देखिए सिचुएशन ये है कि जहां तक के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग का कानून है, और उसमें ये होता है कि अगर कोई शख्स जो कंटेम्नर होता है वो कोर्ट के सामने आता है, वो कहता है कि हाँ मैंने गलती की और मैं माफी मांगता हूँ और मैं आप अपने आप को कोर्ट के रहमो करम पे छोड़ देता हूँ, तो उस सूरत में कोर्ट आमतौर से अच्छा उसका तसव्वुर करती है, उस चीज को एक्सेप्ट करती है। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब की अपनी पर्सनैलिटी जो है वो ऐसी है, जो कि हम देख रहे हैं, जो इतने अरसे से देख रहे हैं, वो ऐसी नहीं है कि वो इस किस्म की अपॉलोजी करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा वो मोहतरमा जो जज साहबा उनके पास, लेकिन यहाँ पे वो भूल गए कि ये कंटेम्प्ट ऑफ जज नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। यहाँ पे जो जब कंटेम्प्ट होती है तो ये नहीं, इस वजह से उसको बुलाया नहीं जाता, शो कॉज नोटिस नहीं दी जाती कि आपने किसी एक जज के खिलाफ बात की। आप जब एक जज के खिलाफ बात करते हैं जो कि कानून की इजाजत नहीं देता, तो उस सूरत में आप सारी जुडिशरी के खिलाफ बात करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो उसके माफी करने से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उस सूरत में अब बयान हल्फी उनका आएगा तो उसके बाद ऑब्वियसली कोर्ट उसमें वो क्या लिखते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमसे बात करने के लिए। शाह फरमान साहब, शाइक उस्मानी साहब की भी आपने बात सुन ली है, आपको नहीं लगता हामिद खान साहब के इस बयान ने थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा कर दी है, या उनको जिस तरीके से ये तजावीज दी जा रही हैं खान साहब के लिए मुश्किल हो सकती हैं, जब वो अदालत जाकर कह ही रहे हैं कि मैं माजरत खां हूं, तो फिर उसमें हामिद खान साहब ये बयान हल्फी के को लेकर ये अगर मगर क्यों लगा रहे हैं? आप 3 अक्टूबर को इसकी दोबारा से समाअत होगी, आपको नहीं लगता कि अगर उस बयान हल्फी में यही चीज रिपीट की जाती है जो पहले थी, तो खान साहब के लिए मुश्किल हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये जो पहले दिन ये समाअत हो रही थी, और जो अदालत ने दो असेसर नॉमिनेट किए, मुनीर ए मलक और दूसरे साहब, सब ने जब बात सुनी जी, तो उन्होंने भी ये मशवरा दिया कि ये कंटेम्प्ट इसलिए नहीं बनती कि अदालत बाय जेस्चर भी
एक्सेप्ट कर जाती है कि अगर किसी ने कंटेम्प्ट किया है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने कंटेम्प्ट किया है, और वो अपने जेस्चर्स भी ऐसे दिखाएं कि या वो नादिम है या उसका मतलब वो नहीं था, तो वो एक्सेप्ट कर जाते हैं। जो खान साहब अदालत में हाजिर होते हैं और जो उन्होंने बातें की हैं कि उसका मतलब ये नहीं था, आइंदा इस किस्म की बात नहीं करेंगे, वो मुहतरमा जो है जज साहिबा के पास जाने को भी तैयार हैं, और वो ये सारी चीज़ें रिग्रेट कर रहे हैं और आइंदा ऐसे करेंगे भी नहीं। और जो जेस्चर्स वो शो कर रहे हैं, इसमें 100% दो बातें क्लियर है। एक तो ये कि वो ये कह रहे हैं कि उनका मतलब ये नहीं था जो लिया गया है, या जिस तरह जो अल्फाज जो इस्तेमाल हुए उसका मकसद ये नहीं था। दूसरा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तीसरा वो रिग्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चौथा वो जज साहिबा के पास जाने को भी तैयार है। तो मेरे ख्याल में कि ये तो अदालत का फैसला है, देखेंगे अदालत क्या कर रही है। और जो दो असेसर्स हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस लॉयर है, अगर मिनल्ला साहब कह रहे थे कि वो जज साहिबा के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं वो उससे हमें मतलब नहीं है, वो उनका जाती फेल है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है उनसे एक अनकंडीशनल अपोलॉजी हामिद खान साहब के बयान से, उसका इंडिया नहीं ना अनकंडीशनल अपोलॉजी को शायद अभी कोर्ट ने बात भी नहीं की, लेकिन ये सारे जेस्चर जो मैं आपको गिनवा रहा हूँ इसका मकसद ये है कि इमरान खान का मकसद क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं और वो किस तरह वो इसको डील करना चाहते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि पहले ये प्ली मान ली जाए कि चूंकि मेरी नीयत ये नहीं थी, मेरे इंटेंशंस ये नहीं थे, जिस तरह चीफ जस्टिस सैयद अली शाह साहब के अदालत के ऊपर जो हमला हुआ उसमें आप कह नहीं सकते कि किसी की नीयत क्या थी। अल्फाज के अंदर आप कह सकते हैं नीयत क्या थी, अल्फाज के अंदर आप से गलत हो सकती है, लेकिन एक्शन के अंदर आप नहीं। अब बदकिस्मती से मैं इसको, ये पॉलिटिकल इशू तो है नहीं, लेकिन रिवायात ऐसी पड़ गई है इस मुल्क में, आजाद अदलिया के लिए आप तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो को उठा लें, आप 96 में जो मैनिफेस्टो तहरीक इंसाफ की बनी आप वो उठा लें, उसके अंदर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आजाद अदलिया, उसके बाद मैं जरा एक लाइन खत्म कर लूं ताकि फिर आप भी, उसके बाद जी, अदलिया की आजादी की बात चली तो अदलिया की, तो जितना हमने स्टैंड लिया, खान साहब ने स्टैंड लिया, और जिस दिन जज रिस्टोर हो रहे थे उस दिन वो इस पिंडी के अंदर जो इंतजार कर रहे थे, जो हमारी तैयारी थी, उससे बड़ी बात एपीडीएम के अंदर पीएमएलएन ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी वादा किया था कि अगर जज रिस्टोर नहीं होगा तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सारा उन्होंने प्रॉमिस किया है। और 2008 के इलेक्शन जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदलिया की खातिर बायकॉट किए। तो देखो एक इंसान की, जिस तरह अगर किसी ने कोई एडिक्टेड क्रिमिनल नहीं है, किसी ने पहले कुछ गलत काम नहीं किया तो वो डिफरेंट होता है, एडिक्टेड क्रिमिनल दूसरी तरह का होता है। तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है इमरान खान का, ये इसको भी कंसिडर करना चाहिए कि इतनी बड़ी कुर्बानी, ठीक है, लेकिन वो इलेक्शन भी नहीं लड़ते, वो इस चीज को इस तरीके से नहीं देख रहे हैं। वो 2014 का जिक्र करते हैं कि उन्होंने सेनेटर खान साहब के, वो कहते हैं कि जी खान साहब ने उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसी यकीन दहानी कराई थी। शाह फरमान साहब की आपने बात सुन ली है कल से, और खान साहब खुद जाके कोर्ट में बोल रहे हैं कि मेरी ये नियत ही नहीं थी, मैंने कोई हेडलाइन क्रॉस की नहीं है। मैं जवाब ले लूं इसका, मैं आती हूं दोबारा आपकी तरफ, मैं आ जाती हूं दोबारा शाह फरमान साहब, सेनेटर खान साहब, आप लोग बार बार इसको वो तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी के एक्ट से मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो इंटेंसिटी नहीं थी, और जब वो खुद कह रहे हैं कि ये बयान ही नहीं था, खातून जज की किसी तरीके से तौहीन करना मकसद ही नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बात ये है कि जो इंटेंसिटी है मामले की वो तो कोर्ट डिसाइड कर सकती है। मेरे नज़दीक जो है उसकी इंटेंसिटी उतनी है, क्योंकि अगर थ्रेटन किया गया है किसी जज को तो वो उसकी इंटेंसिटी तो फिर उतनी होगी ना, अगर किसी और ने थ्रेट किया, इन्होंने किया, या फिर एक स्पेशल इनके लिए ट्रीटमेंट की जाए कि बाकियों को जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई किया और इनको ना किया जाए। फिर से दूसरी जो सबसे ज़्यादा आम बात है वो ये है कि इस केस को हुए हुए भी अब मेरे ख्याल में महीना होने लगा है, और अनकंडीशनल अपॉलोजी तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी ने पहले दिन ही कर दी थी कि जी हम
हम अनकंडीशनली अपोलोजाइज करते, इन्होंने अभी तक नहीं की और ये उसके ऊपर अड़े हुए हैं और उसकी एक वजह है। देखें आप समझ, हामिद खान साहब के बयान से क्या लग रहा है? हामिद खान साहब के लग रहा है कि ये अनकंडीशनल अपोलॉजी नहीं है। देखें आपने अपने आप को खुश करना है तो आप उसको घुमा लें जैसे भी आपने घुमाना है, लेकिन अनकंडीशनल अपोलॉजी वो नहीं है क्योंकि उसमें अगर का वर्ड आ गया बीच में। बात यह है कि ये इन्होंने पहले भी तौहीन अदालत की है, बच गया। इन्होंने तौहीन इलेक्शन कमीशन तो इन्होंने ऐसे कर लिया है जैसे इनका मजाक बना लिया। रोजाना उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुरा भला बोलते हैं इनो। ये पहले ये आप आदि आदि हो जाए ना अगर किसी जुर्म के तो फिर उस पर कोई माफी नहीं होती। शाह फरमान साहब ने कहा कि आदि जुर्म आदि मुजरिम तो नहीं है ना। नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ। 2017 में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आप उठा के देख लें, इनके ऊपर प्रोसीडिंग्स चली हैं कंटेम्प्ट की, ठीक है ना। उससे पहले भी इनके कंटेम्प्ट के मामला रहे। अब इन्होंने आगे ये तो इन्होंने नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये अदलिया की मर्जी है, वो अगर ये समझते हैं बिल्कुल लगे इसको। लेकिन खान साहब ने एक और बात मजाक बना ली, उनको नहीं लगता कि अदालतों से अभी उनकी जान छूटेगी। नहीं छूटेगी ना, क्योंकि बहुत सारे इनके ऐसे मामलात हैं जो मतलब के लेने देने के, जिसके जो 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 इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, तो जाहिर है वो फिर कोर्ट तो उसके ऊपर मामलात चलाएंगे। अब बात ये है कि ये इन सवाल एक मेरा बड़ा सिंपल सा है कि ये क्यों अनकंडीशनली अपोलोजाइज करते। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है, आप क्यों नहीं करते? आप कर ले, आप कोई आसमान से उतरे हुए हैं, आपके सर पे सिंह लगे हुए हैं कि आप अगर लगा लगा के, यानी कि आपकी जिद और आना जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज्यादा बढ़ी है, बुनियादी बात यही है। तो भाई अगर और उस जिद और आना के बावजूद भी अगर इनके हक में फैसला दिया जाता है तो फिर कोर्ट जो है वो एक ऐसा रास्ता खोल रही है, कल को हर कोई इसी फैसले को लेगा और कहेगा कि जी आपने पहले भी तो सजा नहीं दी यहाँ तो। और फिर दानियाल अजीज और तालाल चौधरी और प्रेसिडेंट, उनकी सजाओं का मौजूद है और यहाँ पे आप कह रहे हैं नया प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। और ये दूसरी दफा और है, देखिए 63A में पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्टी हेड होगा वो नहीं होगा, क्या कहते हैं सही है ना, क्योंकि उसने ये भी डिसाइड करना है कि क्या होगा, तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने उसे हटा दिया। और फिर वही 63A को उन्होंने इंटरप्रिटेशन ही चेंज कर दी है पंजाब के जो इलेक्शन आए, या कहते हैं सीएम के जो इलेक्शन है। ये तो फिर आप जो है ये खुद ऐसे प्रेसिडेंट्स बना रहे हैं जिसके अंदर आप पीटीआई के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट है और बाकी तमाम जमातों के लिए एक और ट्रीटमेंट है, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के लिए। अच्छा, ये जो है मेरा ख्याल है ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये नहीं होने चाहिए। इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ नजर आना चाहिए। आपने कहा कि आपका एक बड़ा सादा सा सवाल है कि क्यों गैर मशरूत माफी नहीं मांगते। शाह फरमान साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आती हूँ कि आपको भी पता है, खान साहब खुद ये एतराफ कर रहे हैं, आपकी जमात के बेतहाशा लोग ये बात करते हैं कि कहीं ना कहीं अदालती मामलात में उनको उलझाने की कोशिश की जा रही है। कल ही इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको नहीं लगता कि उनकी अदालतों से इतनी जल्दी जान छूटेगी। तो इस एक मामले में जब आपको पता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड यूज कर लें अनकंडीशनल अपोलॉजी का, गैर मशरूत माफी मांग लें, तो वो इस मामले से निकल सकते हैं, तो फिर क्यों डिलिबरेटली इसको नहीं, इस लफ्ज को इस्तेमाल किया जा रहा, क्यों गैर मशरूत माफी नहीं मांगी जा रही? माफी मांगे, खत्म करें मामला। देखिए इस पर मैं तो इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि क्योंकि खान साहब का और अदालत का, ना अदालत के ऊपर कोई कमेंट कर सकता है, खान साहब के ऊपर ये इल्जाम है कि इसने कंटेम्प्ट किया है और वो उसके जवाब दे रहे हैं। जो जनरली हम बात कर रहे हैं, मैं अपने भाई से ये पूछ रहा हूं कि कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सरदार अली शाह के साथ किया था, या क्या उस केस में इन्होंने माफी मांगी थी? मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब को माफी नहीं मांगनी चाहिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। देखो हु इज टॉकिंग, कोई, मैं ये बता रहा हूं कि जिस बंदे ने 2008 के इलेक्शन का बायकॉट किया इसलिए कि अदलिया आजाद नहीं थी, और जिसने वादा किया था और जिसको फायदा पहुंचा उसका, वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा। आप ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लेना। अच्छा, दो असेसर अदालत ने लिए, अदालत का मामला है, अदालत के ऊपर मैं कमेंट को भी गलत समझता हूं, लेकिन जो मुनीर मलिक साहब और दूसरे जो एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं उनकी भी देख लें। देखो इशू को आप पोलिटिसाइज ना करें, लेकिन बात यह है कि जिसने भी बात करनी हो वो जरा अपने प्रेसिडेंस के मुताबिक जाके बात करें। देखिए बात यह है कि सबको पता है आज ये जो कुछ हो रहा है, कभी इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा हुआ है आज ये कुछ हो रहा है? खान साहब बार बार चीख रहे थे कि एनआरओ मांग रहे हैं, ये बार बार कह रहे थे हम नहीं मांग रहे, आज क्या हो रहा है? अब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि देखे जो कुछ भी है इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात हैं, जो अवाम है,
जो उनकी सोच है, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है, सारा पीडीएम जिस तरह एक्सपोज हुआ है, और इनकी तो पॉलिटिक्स खत्म हो गई। मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूं कि पीटीआई के को निकाल के पीडीएम ने सारी उम्र सियासत एक दूसरे के खिलाफ की, सारी उम्र सियासत एक दूसरे के खिलाफ की। मौलाना साहब सेकुलर पार्टी के खिलाफ, एएनपी जो है वो पंजाब के खिलाफ, पीपल पार्टी जो है वो नून के खिलाफ, नून पीपल पार्टी के खिलाफ, जब ये सारे इकट्ठे बैठ गए तो इनके वर्कर्स और वोटर भी कंफ्यूज हो गए कि ये हमने इतने 40-50 साल तक लड़े, ये किसके खिलाफ लड़े, ये कहां हम लड़े। ये जब आपस में इकट्ठे बैठ गए तो इनमें से किसी का, मैं सिर्फ अपने भाई से ये सवाल पूछता हूं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, खान साहब चले गए, आप लोगों ने निकाल दिया, आप जरा खान साहब के जलसों का एक तिहाई जलसा तो 11 पार्टी 13 पार्टी मिलकर करें। कभी जमहूरियत की तारीख में, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जमहूरियत की तारीख में इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव, चाहे किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर प्रेसिडेंट इलेक्टिव है, चीफ एग्जीक्यूटिव है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो इलेक्टेड है उसको निकालना है तो पहला स्टेप ये होता है कि लोग स्ट्रीट पे आ जाते हैं, वो रिजाइन कर जाता है, नहीं करता तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या इम्पीचमेंट हो जाती है। मैं सिर्फ कहने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग जिनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई, जो आवाम के अंदर आ नहीं सकते, जो 10,000 लोगों का जलसा नहीं कर सकते, ठीक है, और लोग उस बंदे के लिए, इलेक्टेड बंदे के लिए, और आपने कहा कि उन्होंने माजी में क्या प्रेसिडेंट सेट किए हैं वो भी देखें, ठीक है। मैं इस जवाब, आपने जो सवाल किया है, मैं अफनान साहब से उसका जवाब लूंगी, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अभी शाह फरमान साहब ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि वो 13 पार्टियां जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जलसे भी नहीं कर सकती, इतने लोगों को सड़कों पर भी नहीं निकाल सकती, वो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली कल एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं खान साहब। पहले तो ये कहा गया था कि कल के दिन वो लॉन्ग मार्च शुरू होगी, लेकिन फिर उसको थोड़ा मौखर किया गया और कहा गया कि अब कल वो शायद तारीख का ऐलान करेंगे। अब इस पर जो हमारे वजीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने क्या कहा है लॉन्ग मार्च वालों से, अगर उन्होंने रेड जोन में आने की कोशिश की तो क्या सलूक करेंगे, जरा सुनाइए। H9 भी अपना एहतजाज करें, लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो थोड़ी भी हमने तैयारी कर ली है, जब खान साहब अपने आने का इरादा जाहिर करेंगे तो उसके बाद फिर नए सिरे से जो भी सोच रहे हैं, ये टीयर गैस शेलिंग है और रबर बुलेट्स हैं, तो उनको बेहतर और मुअसर करने के लिए जो है वो कुछ नई से नई टेक्निक इस वक्त दुनिया में मौजूद है, तो उससे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अगेन आप 25 मई की सूरत हाल उसी तरह डील करेंगे? जी, उससे भी बेहतर करेंगे। माजून तैयार है, अब वो आएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको जो है वो दिया जाएगा। आप जब वो आएगा ना, उसे ऐसी धुनी देंगे कि वो वहां से ऐसा भागेगा कि फिर जो है ना इस्लामाबाद की तरफ मुंह निकलेगा। तो ये हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो कह रहे हैं कि जी माजून तैयार है, धुनी देंगे, खान साहब दोबारा इस्लामाबाद नहीं आएंगे, और नई टेक्निक्स हमने बना ली हैं, नए और मौसर तरीके जिसमें ड्रोन से शायद वो टीयर गैस शेलिंग करेंगे, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं वैसे सेनेटर अफनान साहब? ये अवाम है, पाकिस्तानी लोग हैं, इसमें बुजुर्ग भी होते हैं, खवातीन भी होती हैं, ये क्या कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब? देखिए, बात ये है कि इस हकूमत का जो टेन्योर है वो 10 महीने का रह गया, ठीक है ना। अब जब 10 महीने का टेन्योर रह गया है तो उसके अंदर अगर कोई ये रट लगा के बैठा रहे कि नहीं मैंने 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 हुकूमत गिरानी, भाई आप 6 महीने पहले तो आपकी कैंपेन शुरू हो जाएगी, 4 महीने बाद आप कैंपेन अपनी इलेक्शन मोड में चले जाएंगे। आप छोड़ दें इस फजूल की जिद को, आप इस मुल्क का पहले आपने वक्त बथेरा ज़ाया किया है, अब आप जो है इस तरह की कोई अनरियलिस्टिक और जो है वो मतलब कि कोई ख्वाहिशात होती है ना, तो उसका फिर आप, लेकिन प्रोटेस्ट तो हक है ना, नहीं कोई भी आ सकता है। नहीं, प्रोटेस्ट बिल्कुल हक है, लेकिन रेड जोन में नहीं आप जा सकते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट रेड जोन में जाएंगे तो फिर यह सलूक करेंगे, यही बोला है ना उन्होंने,
भाई इसके ऊपर इन्होंने किसी और को नहीं आने दिया, इन्होंने कहा हम रेड जोन नहीं आने देंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। अब जब अपने अपोजिशन आई तो कहते हैं हम रेड जोन जाएंगे, और क्यों जाएंगे रेड जोन? आप पिछला रेड जोन गए, आपने आग लगाई वहां पे कि नहीं लगाई? पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा लगा। आपको क्या, मुझे बताया ना, कौन सी ऐसी कोई ट्रेन निकली जा रही है, कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई है कि आप 10 महीने सबर नहीं कर सकते? आपने जरूर क्या कहते हैं कोई ना कोई जो है वो गन डाल लें, आप सबर कर लेना। अभी वो शाह फरमान साहब की बात में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। वो कहते हैं 13 पार्टियां हमारे जितने बंदे नहीं निकाल सकते, उनको पता है कि आवाम की ताकत इस वक्त उनके साथ है, इसलिए देखिए यही बातें शाह फरमान साहब जो है और इनके जो और जो पीटीआई वाले हमारे भाई हैं वो यही बातें करते थे जब ये हुकूमत में थे कि हमारे जैसा तो कोई जलसा नहीं कर सकता। पंजाब में इलेक्शन हुआ, ये वाइप आउट हो गया कहते हैं लोकल बॉडीज का, ठीक है। इनका जो है वो जहां बाई इलेक्शन होते थे ये लोग हारते थे। अब उस वक्त भी यही बात करते थे और अब भी यही बात कर रहे हैं। भाई बात ये है कि ये तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग पुडिंग इज इन द ओवन, ये तो जब जनरल इलेक्शन होगा तब पूछेंगे आपसे कि आप कितने पॉपुलर हैं। और जहां तक बात रहेगी 11 पॉलिटिकल पार्टीज की, तो जमात इस्लामी किसके साथ खड़ी हुई है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस किसके साथ खड़ा हुआ है, ये काफ लीग परवेज इलाही वाली जो है वो किसके साथ खड़ी हुई है? आपने एमयू अपने आप को खुद साख्ता हीरो बनाया हुआ है। ये लोग नहीं बोलते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही है, किसने कहा था? इमरान खान साहब ने कहा था ना। आज आप किसके साथ बैठे हुए? आप हमें ये कह रहे हैं ना कि हमने अपनी आइडियोलॉजिकल रीअलाइनमेंट कर ली है। आपने तो अलाइनमेंट को रीअलाइनमेंट को पता नहीं कितनी दफा घुमाया है, और आप बाद दिन में भी घुमा देते हैं, सुबह कुछ होती है शाम को कुछ और हो जाती है। तो भाई बात यह है कि आप लोग ठीक है, आप इलेक्शन मोड में जाएं, आप अपनी तैयारी करें, 10 महीने का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, क्या जरूरत है मुल्क की बदनामी? तो आप कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस की डिमांड 10 महीने का पता भी नहीं चलेगा? 6 महीने पहले तो इलेक्शन मोड में वैसे ही चली जाएंगी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मार्च में सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन मोड में चली जाएंगी। ठीक है शाह फरमान साहब, इसका जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं कि जी 6 महीने में पहले तो इलेक्शन मोड वैसे ही शुरू हो जाता है, और प्लस आज भी आप देख लें जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब बार बार कह रहे हैं कि जी मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पार्लियामेंट जाएं, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। सो क्या चीज है जो आपको रोके हुए है, और कल फिर से लॉन्ग मार्च की जो तारीख का ऐलान करेंगे और रेड जोन में जाने की बात करेंगे, तो राणा सनाउल्लाह साहब के बयान आपने सुन लिया है, वो टियर गैस 25 मई की हमें याद है, वो कहते हैं उससे भी बुरा हाल होगा, यानी उससे भी बेहतर टेक्निक का वर्ड जो उन्होंने यूज किया कि इस्तेमाल करेंगे जो बड़ी मौसर होगी। देखिए सबसे पहले तो मैं जो इन्होंने बात शुरू की है कि ये सब्र कर लें, ये इंतज़ार कर लें, आप यकीन करें कि जो पीटीआई का ग्राफ था अप्रैल में वो उससे काफ़ी बढ़ चुका है, और आप जलसे देख रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, एज ए पार्टी हमें फ़ायदा हो रहा है, एज ए लीडर इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है। जो हम चाहते हैं, या तो अगर हम असम्बली डिसॉल्व करते, ये हुकूमत में आते, ये इलेक्शन जीत जाते, फिर बताते कि ये हालात इतने ख़राब थे, हमें विरसे में मिले, फिर से कोई बात है। अब इन्होंने विलफुली अटेम्प्ट किया, इन्होंने हमारी हुकूमत को गिराया और ये हुकूमत में आके बैठ गए। ये 5-6 महीने जो इन्होंने हुकूमत की है, ट्रेड डिफिसिट किधर गया, रेमिटेंसिस का क्या हाल है, एक्सपोर्ट का क्या हाल है, रिजर्व का क्या हाल है, एग्रीकल्चर का क्या हाल है, इंडस्ट्री का क्या हाल है? भाई हम 10 महीने तो सबर कर ले। अगर आप वो जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पोजीशन थी कंट्री की, और अगर आप सस्टेन भी कर जाते, हम कर जाते, आप मुझे बताएं, मुल्क तबाह हो रहा है, हमें तो एज ए पार्टी और इमरान खान को एज ए लीडर फायदा है। 10 महीनों में, ये अब 6 महीनों 5 महीनों में आपने जो मुल्क का कबाड़ा निकाला है, सारे स्टेटिस्टिक मौजूद है, कोविड के बावजूद हमने लास्ट 2 ईयर्स में 5.6% GDP ग्रोथ थी। क्या इस हालात के अंदर डॉलर किधर पहुंचा है, गुर्बत कितनी हो गई है, गुर्बत की लकीर से लोग कितने नीचे चले गए हैं, महंगाई किधर है, ये मुल्क डिफॉल्ट, एक मिनट मैं मुझे ये बताएं कि क्या हम मुल्क, आप 10 महीने कह रहे हैं, मैं कहता हूं अगर 3-4 महीने भी इंतजार कर ले बंदा, तब भी शायद सबके हाथ से ये चीज निकल जाए। एक और बात मैं पूछना चाहता हूं, जब मिफ्ते इस्माइल ये कहता है जी
कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अदरवाइज इकोनॉमी का कोई इशू नहीं है। वो अपना अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि ये मेरा कसूर नहीं है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इलेक्शन की बात हम क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं कि अगर ये पीडीएम जीत जाए और इलेक्शन के बाद ये हुकूमत बना ले, 5 साल के लिए बैठ जाए, फिर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, फिर भी शायद इकोनॉमी टेक ऑफ कर जाएगी। अब जो अनसर्टन हालात है, जितनी अनसर्टेनिटी है, उसके अंदर जो मुल्क जा रहे हैं, इनके ऊपर आप मुझे ये बताएं, दोस्त ममालिक इनको पैसे नहीं दे रहे, सामान भेज रहे हैं, सामान में क्या भेज रहे हैं? आप खुद मिफ्ता इस्माइल ने कहा, सादिया बीबी और ये और सादिया बीबी इनको टमाटर और प्याज भेज रहे हैं ताकि पेरिशेबल मटेरियल हो, खुश सामान भी नहीं भेज रहे ताकि ये घर न ले जाए। देखिए मेरी बात सुने, एक एक देखे, एक रिकॉर्ड है इनका इंटरनेशनली, जिन ममालिक ने इनके ऊपर मूवीज बनाई हैं, जिन ममालिक ने उनके ऑथर्स ने इनके ऊपर करप्शन की किताब लिखे हैं, आप मुझे ये बताएं किस तरह लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करें? इधर नैब कानून के साथ जो कुछ इन्होंने किया, अब आप मुझे ये बताएं कि ठीक है सबसे पहले तो पहले टॉपिक का मैं ये एक सेंटेंस में खत्म करना चाहता हूँ कि जो आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की कि इमरान खान क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रूफ करना चाहते हैं, वो अपने तौर पर अदालत को और इज्जत देना चाहते हैं कि मैंने कंटेम्प्ट किया नहीं है, मेरे से ये सोचे भी मत, अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं, सारे इवेंट्स बता रहे हैं कि मैंने किया। अब ये जो इन बात है कि ये 10 महीने ये पहले मेरा भाई मेरे भाई डिटेल में जस्टिफाई करें कि आपने कहा कि हम ये नहीं कह रहे 10 महीने हम कैसे वेट करें, पीटीआई की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन पॉलिटिकल इनसर्टेंटी जो है वो कह रहे हैं कि जी वो खत्म होनी चाहिए, और अगर इलेक्शंस जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं और उसके बाद पीडीएम ही वापस आ जाती है तो हमें उस पर एतराज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये सियासी अदम इस्तेहकाम तो खत्म हो। देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब ये बहुत दफा कह चुके हैं कि अगर इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा आया कि मैं हार गया तो मैं उस इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मानूंगा, बल्कि उन्होंने एक दफा ये भी कहा कि अगर इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा आया कि मुझे सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली, मैं उसको भी नहीं मानूंगा, मैं उसको कहता हूँ इलेक्शन कराते रहो। नहीं, मैं ये इमरान खान साहब को इंटरव्यू में आपको निकाल के दे दूंगा जिसमें उन्होंने ये बात कही कि अगर मुझे सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली, मैं उसको कहता हूँ इलेक्शन कराता रहूंगा, 2/3 मेजोरिटी नहीं मिल जाएगी, ये उन्होंने कही है वाली बात। पुरानी 6 महीने पुरानी, 4-5 महीने पुरानी बात है, जब नई नई हुकूमत गई थी इनकी। अब बात ये है कि 8 मार्च को हमने इनको ये कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा हो जाएगी, कल आप इस्तीफा जो है वो अपना दे दें, आपने क्यों नहीं दिया? सॉरी असेंबलियाँ तोड़ दें, आपने क्यों नहीं तोड़ी? तोड़ते ना आप असेंबलियाँ, आपने उस वक्त मौका था आपके पास, आप तोड़ देते, हम मान लेते, उस वक्त आपने तोड़ी नहीं, आपने कहा हम आखिरी उस तक गेंद तक लड़ेंगे। भाई जब आपने आखिरी गेंद तक लड़ा, आपकी हुकूमत चली गई, अब आप सबर करके बैठे हैं, ये जमहूरियत। उस वक्त उनका जवाब ये होता था कि क्यों आपके कहने पे क्यों तोड़ दें, आज आप भी उनको ये जवाब देते हैं कि आपके कहने पे हम इलेक्शन क्यों कराते हैं, तोड़ दें। और बाद में एक और बात है, इन्हें अगर ये वाकई चाहते हैं इलेक्शन कराना, और ये वाला मसला है, ये आज केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें, इलेक्शन हो जाएगा इस मुल्क में। वो तो आप सिर्फ और सिर्फ ज़िमनी इंतखाब करा रहे, वो उस पे करवा रहे होंगे पंजाब में और केपीके में, नहीं, नहीं, आपके लोग खुद कह चुके हैं कि हम पूरे मुल्क में नहीं करवाएंगे, फिर हमें क्या है, हम सूबों में करवा देंगे। नहीं, आप ये अगर पंजाब की भी तोड़ देंगे और पंजाब की भी तोड़ देंगे, इलेक्शन इतना नहीं हो सकता, इतना बड़ा। तो अदालतें भी यही तो कह रही हैं, अदालतें भी कह रही हैं कि सैलाब आया हुआ है, और फिर अभी तो इलेक्शन नहीं हो सकता इस वक्त, तो सैलाब आया हुआ है, आपको वैसे 3-4 महीने आपको सैलाब से डील करने में लग जाएंगे, जब तक पानी सूखेगा उसके बाद फिर आपको टाइम। लेकिन बाद में वही कह रहा हूँ, देखें बात ये है कि अगर ये इनकी वाकई सिंसेरिटी है इस मुल्क के साथ, तो ये अपनी जिद से और अना से पीछे हट जाएं, ये कोई मजाक नहीं है। 3 सूबों में और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में इनकी हुकूमत है, ये कोई आपकी हुकूमत है, आप हमसे क्या पूछते हैं, आप अपना बताएं आपने क्या किया आज तक इस पिछले 5 साल के अंदर, केपीके के अंदर 8-9 साल के अंदर आपने पंजाब में पिछले क्या किया, आपने उस्मान बुज़दार को लगा दिया, उसने वहाँ पे गुजरावाला में अपनी अपना जो इनकी है गोगी साहिबा, उन्होंने गुजरावाला में हाउसिंग सोसाइटी बना ली, तो ट्रांसफर पोस्टिंगों के ऊपर पैसे पकड़ते रहे, इन्होंने ये रिंग रोड के ऊपर माल बनाया, ये भाई आप लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाएंगे, एक हद होती है ना, ये कहते हैं। फिर मुझे इन्होंने कहा, क्या कहते हैं कि जी ये अदलिया बहाली के ऊपर बात की, अदलिया बहाली के लिए अदलिया बहाली तब हुई थी
जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर से निकले थे, वो गुजरांवाला पहुंचे थे और उसके उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अदलिया बहाल कराई थी। सिर्फ खाली हवा में वादे कर लेने से अदलिया बहाल नहीं हुई थी। अच्छा। उसके लिए उन्होंने अपनी जान तो अभी दाव पे लगाई थी। वो कल जो लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं ना, वो हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च है। वो भी आप हकीकी अदलिया बहाल की बात कर रहे हैं, वो हकीकी आजादी है। 2013 से 2018 तक ये लोग लगे रहे, इनसे कुछ नहीं, हमारी हुकूमत नहीं गिरी ना इनसे। अच्छा, ये लगे रहे। चले, आपने जो एक इनको कहा है ना, मशवरा दिया है कि जेकेपी के और पंजाब तोड़ दें, पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाएगा। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके शाह फरमान साहब आपसे इसका जवाब लूंगी। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। शाह फरमान साहब, आप कह रहे थे कि ये अगर जितना मर्जी इसको लेकर चलेंगे तो ऑब्वियसली इनके लिए मसाइल होंगे, और हम तो पाकिस्तान की खातिर जो है वो कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस करवा दिए जाएं फौरी तौर पे। आपने सुन ली सेनेटर अफनान साहब की बात, वो कहते हैं कि ठीक है, केपी के और पंजाब असम्बली जो है वो आप डिजोल्व कर दें, पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, पहले तो वो आपका जो पहला सवाल था राणा सनाउल्ला के हवाले से, उसका जवाब मैंने नहीं दिया। उसके बारे में बड़ा शॉर्टली ये कहूंगा कि रेड जोन तो छोड़ दें, अगर सारा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जल्द से उन्होंने देख लिया, अगर हम आके इस्लामाबाद के बॉर्डर के ऊपर भी बैठ जाएं और ऊपर से कश्मीर से भी लोग आ जाएं, तो ये 27 किलोमीटर के इस पंजरे में ये सारी हुकूमत जो है वो फंस जाएगी। वो छोड़ दे, रेड जोन तो छोड़ दे, उधर वैसे मैं तो कहता हूँ कि जाना भी नहीं चाहिए। इस्लामाबाद को भी छोड़ दे, इस्लामाबाद के बाहर हम बैठ जाएंगे, ये करेंगे क्या? अब ये जो कह रहे हैं ना कि केपी को कर दें, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि आप कहें कि कराची में ना खेलो, लाहौर में खेलो, लाहौर में ना खेलो। असल इशू है फेडरल हुकूमत की नाकामी, जो मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए। हमारे दौर में क्या थे, इनके दौर में क्या है, ये अपनी कंटिन्यूटी जस्टिफाई नहीं कर सकते। देखिए, कहने का मकसद ये है कि अगर ये कुछ अच्छा करते या वो सस्टेन भी कर दे जो पीटीआई की हुकूमत वो परफॉर्म कर रही थी, तो मैं आपको सादिया बताऊं कि एंड ऑफ द डे जब इलेक्शन होना था 10 महीने बाद या जो भी, उसके अंदर हमें इससे ज्यादा फायदा होना था। जो जो वक्त गुजर रहा है हमें उसका फायदा पहुंच रहा है, जो मुल्क का सोचते हैं। दूसरी है। बात यह कि मैं इनसे एक सवाल करता हूं, देखो जी, हम डुअल नेशनलिटी के ऊपर, सारे पाकिस्तानियों के लिए डुअल नेशनलिटी जायज है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन के लिए जायज नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट है कि डुअल नेशनलिटी से आपकी लॉयल्टी डिवाइड हो जाती है। मैं समझता हूं कि जायज और नाजायज पैसा तो छोड़ो, करप्शन का पैसा तो जो जायज पैसा है वो भी जब इस मुल्क से कोई निकालता है तो मुल्क को कोखला कर देता है। यानी हमारे यहां इतने अजीब किस्म के लोग हैं, मैं कोई ऐसे अल्फाज यूज नहीं करना चाहता, कोई इंसान को कुछ चीजों की शर्म भी आती है कि जिनके बच्चों का मुस्तकबिल बाहर, जिनका इलाज बाहर, जिनके एजुकेशन बाहर, जिनका कारोबार बाहर, और इस मुल्क में सिर्फ वो हुकूमत के लिए आते हैं और फिर कहते हैं हम भिखारी भी हैं। अगर कोई भिखारी है तो फिर वो ये बताएं कि ये मुल्क इतना गरीब तो नहीं था 80s में, और उनकी हालत क्या थी 80s में, वो भिखारी किधर तक पहुंचे और मुल्क किधर पहुंचा। देखिए, पूरे पीडीएम को सादिया लेके 70s से लेके 50 साल के अंदर 50 साल गुजरे, इस 50 साल में पौने 4 साल पीटीआई की हुकूमत है, बाकी किसी न किसी फॉर्म में इस पीडीएम के अंदर जो लोग मौजूद है इन्हीं की हुकूमत थी, एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीनों पार्टी। 70 से लेकर आज तक हर दिहाई का जायजा लिया जाए, कितना मुल्क नीचे गया, कितनी करप्शन हुई, किस किस मरकज की परफॉर्मेंस का है।
मैं दो सेंटेंस बोलता हूँ, दो चैलेंजेस देता हूं। एक ये कि मैं 9 साल तक मैं मिनिस्टर रहा, गवर्नर रहा, पार्टी के मैनिफेस्टो खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैं 9 साल में एक उम्रे के अलावा और एक खान साहब के साथ मैं मुल्क से बाहर नहीं गया, गैर सरकारी सरकारी दौरा नहीं किया, किसी 5-स्टार होटल में स्टे नहीं किया, किसी 5-स्टार होटल। मैं आपको बता, आप क्यों हंस रहे हो? पाकिस्तान गरीब आवाम के पैसे के ऊपर जो लोग डुअल नेशनल वो डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं। आपने लंदन में महलात बनाए हुए हैं, लोगों का खून चूसा है, और अब आप मेरे सामने बात कर रहे हैं। मैं दो चीज चले देता हूँ, मुझे ऐसा है नहीं, प्लीज दूसरी बात मेरी सुन ले। क्या बात कर रहे हैं? मेरी दूसरी बात सुन ले, देखे मेरी बात सुन ले, मेरी बात खत्म होना। लीडर आने उनके बच्चे का है, आप दूसरों को तो ना बोले। आईएमएफ की रिपोर्ट है, इन्होंने लेकिन अगर आप डार साहब को वापस ला रहे हैं मिफ्ता की जगह, तो इसका मतलब है आप लोग भी एतराफ कर रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसी जो है वो नाकाम हो गई ना। डार साहब ने जो प्लान बनाया वो नहीं चला। डार साहब इनके आपस में इक्तदार पर लड़ाई है, इज नंबर वन। अच्छा, बात बिल्कुल, मैंने इसका जिक्र किया भी था आपके हाथ में मुझे बता दें, इमरान खान फटा हुआ जूता पहन के घूमता था, आज उसके बाद अरबों रुपए की जायदादें कहां से आई? आप उस वक्त तो 5-5, 10-10 हजार रुपए मिलते थे क्रिकेट खेलने के। उसके तो बताएं ना, उसके तो खान के बाद उसने तो सारा बताएं, फर्क होगी के बाद अरबों रुपए की जायदादें कहां से आई? मेरी बात आप बताएं, बुशरा बीबी के बाद अरबों रुपए कहां से आए? मैं बता रहा हूँ, इमरान खान के नाना कौन थे, अम्मी कौन थी, दादा कौन थे, फादर कौन थे? इमरान खान लोहार नहीं थे, सरकारी मुलाजिम करप्शन पे लोहार नहीं थे। बात सुनो, अच्छा सादिया, मैं इनको एक और चैलेंज दे रहा हूँ, मेरी बात सुने सादिया, मैं इनको एक और चैलेंज दिखा रहा हूँ। ये तो वो यार छोड़ो, ये इलेक्शन चुराने के तुम केस के, आप अपनी बात करें, छोड़ो यार, कोई करोड़ों अरबों रुपए तरीके से बात भी समझ नहीं आ रही दोनों की। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप। बहुत शुक्रिया शाह फरमान साहब आपका, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। We'll be right back.